संक्रांति के अवसर पर जयपुर में खास तौर पर पतंग उत्सव होता है और वहां से हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू आनंद का रुख करेंगे और उससे जानना चाहेंगे कि पतंग उत्सव की खासियत क्या है जयपुर की और वहां पर फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह की हलचल है, हमें बताएं। जी देखिए, पूरा जयपुर और दूर दूर से आए हुए लोग इस पतंग उत्सव के उत्सव में सरोबार हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह का खूबसूरत रंगीन नज़ारा है गुलाबी शहर में जहां पर ये पतंग उत्सव मनाया जा रहा है। पतंगें दिख रही हैं आपको और यहाँ इस उत्सव में कई सारी चीज़ें होने वाली हैं, खास तौर पे जो राजस्थान की लोक कला लोक संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें हैं वे कई सारे लोक नृत्य होने वाले हैं और बहुरूपी खास तौर पे बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेश के साथ ये बहुरूपी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पतंगें भी अलग अलग तरह की हैं और ये पतंग आप देख सकते हैं और यहाँ पे लोग इन बहुरूपियों के साथ तस्वीरें ले रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं वे भी इन लोगों के साथ तस्वीरें लेना पसंद करते हैं और बहुत खूबसूरत नजारा है, रंगीन नजारा है। जल महल के पाल को सजाया गया है, विशेष रूप से इसके लिए तैयार किया गया है पतंग उत्सव के लिए। जो राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट है वह और उसके साथ साथ जिला प्रशासन इसकी तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं। उन्होंने इससे थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वे अभी यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनके साथ साथ जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं गायत्री राठौर वे भी मौजूद हैं और उनके साथ जो तमाम अधिकारी हैं वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप नज़ारा जो है वो देख सकते हैं जल महल की पाल से और इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है। अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए जो बहरूपी हैं वे यहाँ मौजूद हैं। बहुत ये एक बहुत शानदार तस्वीर और बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है सोमू आनंद। राजस्थान में एक पतंग का महोत्सव और वहां से लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, कितना शानदार ये प्रस्तुति वहां पर। अभी फोक म्यूजिक जो है वो राजस्थान का और ये प्रस्तुति दिया कुमारी राजस्थान की डिप्टी सीएम उनकी मौजूदगी वहां पर और हमारे संवाददाता सोमू आनंद वहां से लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं क्योंकि म्यूजिक थोड़ा सा ज्यादा लाउड है इस वजह से वो आवाज हम नहीं सुन पा रहे थे सोमू आनंद की, लेकिन जो नजारा है वो देखते ही बनता है। प्रदेश भर में मकर संक्रांति की धूम है और राजस्थान में जयपुर में खासकर जिस तरह से ये तस्वीरें और जो लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है इस पतंगबाजी को लेकर, इससे पहले दिया कुमारी को भी हमने सुना डिप्टी सीएम राजस्थान की, उन्होंने कहा कि जितने भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट किया जाएगा। काइट फेस्टिवल की ये जो झलक है वो देखने को मिल रही है और जो शानदार म्यूजिक फॉक म्यूजिक की झलक हमने आपको दिखाई, इसमें पतंगबाजी की तरह जो रिएक्ट कर रहे हैं कलाकार और पतंगबाजी करते हुए और उसके साथ साथ जो गाना है जो म्यूजिक है वो एक अलग ही छटा यहां पर बिखेर रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का रिवाज है राजस्थान में खासकर जयपुर से और ये पतंग महोत्सव की शुरुआत जिसकी झलकियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में मकर संक्रांति की धूम और लोगों का हुजूम जो है वो आप देख सकते हैं इस उत्सव में शामिल होने के लिए क्योंकि खासा लोकप्रिय पतंगबाजी का त्योहार वैसे तो देश भर में। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है सोमू आनंद हमें बताएं वहां पर। सोमू आनंद क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और बड़ी संख्या में पर्यटक और लोग यहाँ पर आए हैं।
लगा रहा था। खासतौर पर जो राजस्थानी लोग नृत्य है, लोकगीत है, उसकी प्रस्तुति यहाँ पर सभी जो आगंतुक पर्यटक है जी हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद है, आप बातचीत कीजिएगा उनसे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं सोमानंद, हम देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है और ये जो कवरेज है ये बेहद शानदार लग रही है जो वहां से आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। खासकर जो लोक संगीत जो है उसकी जो बीच बीच में झलक आ रही है और उसकी आवाज जब कानों में पड़ रही है तो हम आपको नहीं सुन पाते हैं और वो म्यूजिक जो है वो सीधा उससे जुड़ पा रहे हैं, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कितना उत्साह है इस फेस्टिवल को लेकर लोगों में, और एक ये झलक बेहद खूबसूरत लग रही है। आप बात कीजिएगा वहां पर दिया कुमारी जी से, हम सुनेंगे, लेकिन बहुत शानदार ये तस्वीरें वहां से। जी बिल्कुल, देखिए हम इस बात के इंतजार में हैं कि वे बात करेंगे और तब तक आपने आपने जैसा बताया कि यहाँ पर सिर्फ पतंग उत्सव नहीं है बल्कि राजस्थान की संस्कृति का यह उत्सव है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और राजस्थान में जो जयपुर का जिला प्रशासन है उसकी तरफ से ये आयोजन हो रहा है। इसमें सिर्फ पतंगों का उत्सव नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति का उत्सव है। मैम ये सिर्फ पतंग का उत्सव नहीं है, पूरे राजस्थान की संस्कृति का उत्सव हो रहा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, आज मकर संक्रांति है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए और बिल्कुल आपने देखा कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर पूरे राजस्थान भर से आर्टिस्ट आए हैं परफॉर्म करने, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इन सभी चीजों का आनंद ले रहे हैं। पतंग का डिस्प्ले भी है, प्रदर्शनियां भी है, बहुत सारी चीजें हैंडीक्राफ्ट भी हैं, एक पूरा उत्सव की तरह इस दिन को मनाया जा रहा है और बहुत खुशी की बात है कि आज बहुत अच्छा सुंदर दिन है तो खुशी की बात है। मैम आप टूरिज्म से पहले से जुड़ी रही हैं, क्या ऐसे आयोजन अब बाकी शहरों में भी होना शुरू होंगे, उसके लिए क्या योजना है? बिल्कुल, हम लोग हर आयोजन को और भव्य कैसे बना सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा और क्या अच्छा हम लोग कर सकते हैं, एडेड क्या अट्रैक्शन हो सकते हैं कि हर आयोजन है उसमें एक्स्ट्रा क्या हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे आयोजन है जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट करता आ रहा है, लेकिन उसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, फोकस किया जाएगा हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को और क्या कर सकते हैं एक्टिविटीज के लिहाज से भी और क्या फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती है उस पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। मैम राजस्थान का कल्चर बहुत रिच है और आप तो उस पर काम करती रही हैं, उसको और प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे या बाकी जगहों पे उसके लिए क्या योजना है? देखिए हमारा आर्ट कल्चर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और टूरिज्म एक साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है टूरिज्म, इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है पूरी तरह से फोकस हम सभी का उस पे रहेगा और हम लोग बहुत सारे इवेंट्स भी प्लान करेंगे, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने की भी प्लानिंग होगी, इसमें जो हमारे मंदिर है जो हमारे धार्मिक स्थल है उसमें भी हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ज्यादा के ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ जाए, टूरिस्ट भी जाए और हमारे जितने भी दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी जाते हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज क्या बढ़ाई जा सकती है, हमारे मॉन्यूमेंट्स में क्या किया जा सकता है, सभी चीजों पे ध्यान देके इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसमें भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज अच्छी हो, साफ सफाई हो, सब कुछ। टूरिस्ट जब किसी भी स्थल पे जाता है वो सिर्फ मॉन्यूमेंट को देखने नहीं जाता है, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ टेक इन करता है, एक्सपीरियंस जो उसका होता है वो टॉप क्लास हो, उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और इनके पास पर्यटन विभाग का भी प्रभार है, जाहिर तौर पे इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई पर्यटक आता है तो सिर्फ मॉन्यूमेंट देखने नहीं आता है बल्कि उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें देखने आता है और उसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है उसका प्रयास किया जाएगा। यस लेडीज एंड जेंटलमैन,
आनंद, हमने बेहद खूबसूरत तस्वीरें तो वहां से देखी ही, साथ में दिया कुमारी से बातचीत भी हमने सुनी और सही उन्होंने पॉइंट यहां पर कहा कि टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी का और किस तरह से डेवलपमेंट से लेकर इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करने से लेकर इस पर्यटन में जो पर्यटक पर्यटन स्थल हैं उनमें किस तरह से विकास किया जाए और वहां पर और बेहतर सुविधाएं पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई जाए, ये योजनाएं और इस तरह का टारगेट जो है लेकर चल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां से ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो मकर संक्रांति का त्यौहार राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जा रहा है और खासकर जो पतंग उत्सव है जयपुर का, वहां से हमने खासतौर पर यह कवरेज देखा। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।